तो वही यार 26 जनवरी शुरू करते हैं व्लॉग रात को ही। अभी आज है मेरा बर्थडे। कसाईयों वाले चाकू को मारे। हाँ ये काम हॉस्टल में अच्छे लगते हैं। यहाँ प्रथा है, यहाँ पे क्या बहुत जगह है बेल्टों से मार मार के लाल करने वाली। ये मैं सेफ हूँ, मैं बचपन से, बचपन क्या मतलब अलमाटी के बचपन से सेफ हूँ मैं। स्टार्टिंग में हॉस्टल में था ही, हॉस्टल वालों की गंदी होती है हालत। The next day. सो वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, ये ऐसे मुंह पे पूरी शेडो आ रही है, देखो किस वजह से आ रही है। ये देखो, ये किसी भी वक्त गिरेगा, बस अभी पूरा स्लाइड होकर नीचे आ गया ऊपर से, इसको बस हल्का सा जर्क मिलेगा और ये पूरा नीचे आएगा एकदम से। चलो जो भी है शुरू करते हैं। शुरू तो क्या करते हैं, लेट हो गया थोड़ा सा अभी, मैंने बस व्लॉग को एडिट करके और अभी बस यहीं पे कर दिया, मतलब एडिट कंप्लीट कर दिया मैंने सुबह उठ के। अभी रात को नहीं किया था, मेरा रात को मैंने बताया मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा था। ठंड तो है बाहर, अंदर पता नहीं लगता, अंदर तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे गर्मियों, बाहर आते एकदम से पता लगता है यार ठंड तो है। ये सब देख के निकलना, आज तो वैसे भी स्नोफॉल शो कर रहा है, देखते हैं भाई होगी शायद आज। तो आज है तुम्हारे भाई का बर्थडे, रात को केक वेक कट किया और फिर मैं सो गया था। बस उसके बाद मैंने कोई ज्यादा वेट नहीं किया कि किसी का कॉल वॉल आएगा, मैंने फोन साइलेंट किया और मैं सो गया। चलते हैं आज कहीं पार्टी वार्टी करेंगे, शाम को प्लान बनाते हैं कहाँ जाना है कैसे करना है। तो भाई चेंज ऑफ प्लान, क्योंकि बाहर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, दिखा दो मेरे को, मेरे को लग ही रहा था आज होगी, और रिफ्रेश हो रही है अभी। ये देखो यहाँ पर दिख रही होगी थोड़ी बहुत गिरती हुई, बाकी काफ़ी लाइट है अभी, काफ़ी हल्की हो रही है अभी, तो कट हो जाएगी शायद और ज़्यादा। ये देखो ये गिरेगा किसी भी टाइम, इसको मैं गिरा ही दूँ मन कर रहा है। पहले मैं सोच रहा था लाइब्रेरी जाता हूँ या जिम जाता हूँ अपलोड करने, बट फिर मैंने कुछ तिकड़म लगाई है अभी, क्योंकि रोज रोज ऐसे भागता रहा अगर मैं नेट के पीछे तो फिर यही करता रह जाऊंगा, फिर कुछ और नहीं हो पाएगा पूरे दिन में। मतलब अनलिमिटेड हो गया उसमें यूट्यूब वाला, और स्पीड भी सही आ रही है, 15-20 मिनट में मेरा अपलोड हो गया व्लॉग, इतने टाइम से ऐसे ही मैं धक्के खा रहा था। शाम को जाएंगे जहाँ भी जाना है अब, तो अभी शुरू करते हैं, पहले खाना वाना खा लेते हैं। 3 बज गए वापस, कल पूरी मेल्ट हो गई थी, यहाँ पे पानी पानी हो रहा था, अब वापस हो गई है। अभी 7:30 हो रहे हैं अभी, बस ये क्या हुआ, नहा के आया मैं और इतने में ओनर आ गई। ओनर को मैंने बोला था जैसे लाइट खराब थी बाहर वाली, तो आके अभी लगा के गए थे, अभी आए तो मैंने बताया मेरा बर्थडे आज, तो मैंने थोड़ा सा केक दे दिया। और तो जैसे ज्यादा खाते नहीं है, शुगर है तो डायबिटीज है इनको, अब लाइट भी नहीं है मेरे पास कोई, यहाँ पे एक बार बाहर की जगाता हूँ। अभी गए थे, नया चेंज किया भाई बल्ब, ये वाला एक येलो लगाया, तो मैंने कहा भाई व्हाइट लगा देना, क्योंकि व्हाइट पढ़ना होता है जैसे बाहर बैठ के, तो येलो में होगा नहीं पढ़ाई, डिप्रेसिंग सा होता है ना येलो। कहती संडे को जाएंगे मार्केट तो फिर वो ले आएंगे। अभी मैं बस रख नहीं जा रहा था, इतने में आवाज आई और इसने भी अपनी जान दे दी, अब मेरे को फिर से बोल के आना पड़ेगा। ये तो अभी गया भाई, अभी लगाया तुमने और अभी गया, इसने अपनी आत्महत्या कर ली है। अभी वो व्लॉग देख रही थी मेरा, मैंने बताया जैसे मेरी बहन की शादी थी, इंडिया गया था, वो देख रहे थे भाई कैसे होती है शादी वगैरह सब, में गए और 2 मिनट में ही फ्यूज हो गया। यार बेचारों को वापस बुलाना पड़ेगा, अब वो कुछ करना ही पड़ेगा, तो लाइट ही नहीं है बिल्कुल भी, हॉल में लाइट नहीं है बिल्कुल, किचन में चाहिए होगी लाइट, तो उसके बिना चलेगा भी नहीं काम। बहुत हार्ड वर्किंग है दोनों, बहुत अच्छे भी हैं दोनों ओनर। ये देखो गिरी गया थोड़ा बहुत, तो मेरे को बता के आना। अभी भी हो रही है स्नोफॉल, भैंस की टांग। मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ, सर्दी में गर्मियाँ चल रही हैं, मई जून वाली। बेचारे शाम को दोपहर को आए थे, तब मैंने बोला था, तब कहते थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर आएंगे। अभी लगाई और अब फिर टाइम बोल गया बल्ब, तो वो भाई तेज हो रही है, तो काफी लाइट के नीचे पता लग रहा है कितनी तेज स्नोफॉल है, पर बहुत ठंडा यार बाहर। बाकी अभी प्लान है मेरा जाने का, अभी दिल्ली जा रहे हैं हम, 3-4 लोग हैं, तो उसके लिए भी तैयार होता हूँ बस मैं। अभी ये काम बीच में अलग पंगा डाल दिया उन्होंने, ये वापस लेके आए हैं इसको, ये वापस चेंज करना पड़ेगा। अरे अभी लिख के ट्रांसलेट किया, कहते हैं हाँ सही बात है, फिलामेंट बर्न हो गया क्योंकि ठंडा था बल्ब, एकदम से लगा दिया ना बाहर से लाके, बाहर ठंडा है, बाहर पड़ा था कहते कहीं पे और वो लगा दिया अपने ने, तो बर्न होना ही था, हो गया वो। चलो भाई ऑल सेट टू गो, ऐसे पूरा मैं रशियन वाले कपड़े पहन रखे हैं, मैंने रशियन आउटफिट ऐसे ही होता है, व्हाइट शर्ट स्वेटर फिर जैकेट, बाहर बाकी ठंड बहुत है तो उस हिसाब से पहन लिया मैंने थोड़ा। ऑलरेडी मैं अभी बीमार होके सही हुआ ही हूँ, हुआ भी पूरा नहीं हूँ, अभी भी थोड़ा जुकाम है मुझे। आराम से निकलते हैं, बस देखता रहता हूँ कब आ रही है फिर निकलता हूँ। भाई दूसरी बस भी निकल रही है, मैं बैठा बैठा सबको थैंक यू विश करे जा रहा हूँ, लाइन से जितने आए हुए थे उस चक्कर में भूल ही गया कि बस भी लेनी है, और मैं वेट तो बस का ही कर रहा था घर बैठ के, दूसरी भी निकलेगी मेरे को लगता है। मैंने टेबल भी बुक कर दिया 4 लोगों के लिए, क्योंकि कई बार होता है पूरा पूरा ही बुक होता है, पहले ही बुक कर दिया मैंने, अभी कॉल कर दिया 30 मिनट का कह दिया, सब लोग लेट ही आएंगे, 30 मिनट तो मिनिमम बोला मैंने उसको। बाकी अभी बस आ रही है दूसरी भी,
एक तो गई, एक और आ रही है। बाकी स्नोफॉल हो रही है, बट ठंड नहीं है। मैंने इसके नीचे बस ये स्वेटर पहनी है और एक शर्ट है बस, इनर नहीं पहनी मैंने। मेरे को पता है कि अंदर बैठे बैठे ना दम घुटने लग जाता है वहाँ पे। मैं बैग उतारने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं बैग लेके घूम रहा हूँ, मतलब इतना बैग लेके जाता हूँ मैं, साथ में रिफ्लेक्स में आ गया मेरे पीछे ऐसे हाथ कर रहा हूँ कि बैग आएगा आगे। सही आ गई बस 8:30। वैसे मैंने पहुँचने के लिए बोला था सबको 8:30, खुद यहाँ से मैं निकला हूँ अभी बस में। रीच्ड ऑन टाइम, मेरे से पहले दो जने आ गए, हितेश भी आ गया और प्रद्युमन भी आ गया। 20 बोल रहा हूँ, 8:50 हो गया, 20 मिनट में आ गया, लगभग इतना ही था मेरे को, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। भाई बाहर निकल के ना आधे पौने घंटे तक नहीं लगती है सर्दी, बट वंस अ स्टार्ट, एक बार ठंड लगनी स्टार्ट हो गई ना फिर रुकती नहीं है जब तक आप अंदर नहीं बैठोगे थोड़ी देर। अब फिर बाहर निकलेंगे जब जाते हुए तब फिर ठंड लगेगी, तब भी नहीं लगेगी, घर जब पहुंचने वाले होंगे ना तब लगेगी, आखिरी टाइम पे जब गली में। बाकी मैं आ गया हूँ, स्नोफॉल में अलग ही सुंदर लगता है भाई, मतलब वो तो कुछ और है उधर वाला, तो ये डली तो करो स्नैपचैट क्या हो गया भाई। एक ऑर्डर किया था तो मंचूरियन, एक चना मसाला देगी, ऑर्डर किया था राजमा मसाला, हमने जल्दी में ऑर्डर कर दिया कि मेन कोर्स बाद में टाइम ना लगे, ये तो सारा एक साथ ही आ गया। शक्लें दिखा दो अपनी, हेलो गाइस कर दो। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। पूरे खा ले, काटो सारे जल्दी में, क्योंकि सबकी बसें जा रही है, उसके बाद आएगी भी सबसे पहले ये है अभी थोड़ी देर पैदल ही चलना पड़ेगा, टोली भी से जाते हैं तो ये लगभग 10:30 होने वाले हैं। बस लकीली बस आ रही है आज, 88 डायरेक्ट जो जाती है शायद सामने ही है, आ जाए तो बढ़िया ही है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि दिखाता आती है बट आती नहीं है, बंद हो जाती है इस टाइम पे। आज आ रही है, अभी तक तो यही उम्मीद है। ठंड तो हो रही है अब काफ़ी, अब लग रही है। चलो भाई सही टाइम पे वापस आ गए, 11 बज गए ऑलमोस्ट, इसके बाद बस वो लास्ट बस थी जो मिल गई हमें किस्मत से आज, नहीं तो कहीं और जाना पड़ता पहले पैदल बस लेने के लिए और फिर वापस पैदल चलना भी पड़ता। मतलब दोनों चीज़ें नहीं हुई है, ठीक है बंद भी नहीं है, अच्छा बंद है। खत्म करते हैं आज का दिन यहीं पे अब। इट वॉज अ प्रीटी नाइस डे, बट मैं शायद एक चीज़ बोलनी भूल गया, रिपब्लिक डे भी था आज तो मैं बोलना भूल गया, सॉरी। हैप्पी रिपब्लिक डे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। 11 बजे सही टाइम है, सही टाइम पे वापस आ गए, सही टाइम पे जाके मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन में। राधे राधे। Thank you.